नमस्कार, मैं हुस्नैह शर्मा, स्वागत है आपका चिनाब टीवी में। तो प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। डोडा पुलिस ने बीपीएल श्रेणियों के परिवार, पुलिस शहीदों के बच्चों और डोडा के विभिन्न कॉलेज स्कूलों के छात्रों के लिए नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया। एसएसपी डोडा श्री अब्दुल क्यूम ने जिला मुख्यालय से छात्रों को झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एसएसपी डोडा ने छात्रों को सर्वोत्तम यात्रा की कामना की और उन्हें अधिक से अधिक सीखने का अनुभव प्राप्त करने की सलाह दी। तो देखिए सुरेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। इसमें से जो भारत दर्शन टूर है वो एक बहुत ही अच्छी और बड़ी पहल है जो हमारी स्टेट की पुलिस जो है ऑर्गेनाइज करती है। और मेरी ख़ास तौर पर आप लोगों से ये इस मौके पर ये गुजारिश रहेगी कि आपको जब आप बाहर आप लोग अपने जहन में एक नई चीज़ को ज़रूर जगह दीजिए कि हमारे में और उन लोगों में क्या अंतर है और हम कितना पीछे हैं या हम कितना आगे हैं या वो कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं। जब आपका एक इंटरेक्शन, जब आपकी बातचीत नए लोगों से होगी तो ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, घूमने से, ट्रैवलिंग करने से बड़ा एक्सपोजर कभी भी किसी जगह किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता। और ये ट्रैवलिंग, ये जो आपका जो भारत दर्शन का टूर है, ये इसीलिए है कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सीख कर आएँ और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी इन्होंने अभी सीखा है उसको आगे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करें। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, जैसा डीएसपी डीआर साहब ने बोला, एक हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन आप वहाँ बाहर दिखाएंगे। क्योंकि ये बड़ा, लास्ट टाइम हमने 150 बच्चों का ये एक टूर ऑर्गेनाइज किया था तो हर बार यही होता था कि जब भी बच्चे जाते थे सर तो बाहर जाकर फिर वो अपने ही तरीके से वो करते थे, रहते थे। लेकिन आप लोग घूमिए, फिरिए, आप एंजॉय कीजिए, आपको इसलिए भेजा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने लर्निंग भी करनी है। और आप लोगों को पता नहीं, अब इन्होंने फीडबैक फॉर्म बनाए हैं, वो फीडबैक फॉर्म भरकर आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चों ने क्या सीखा। हमारा भारत दर्शन होता है, इस साल भी हमें भारत दर्शन का जो ऊपर से आया है प्रोग्राम करने के लिए, इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट डोडा में से आप लोगों में से कोशिश की है, जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं जिनको कम मौका मिलता है बाहर जाने का, सैर करने का या जहाज़ में बैठने का, उनको चुना है। जिसमें से अभी डीएसपी डीआर साहब ने बताया है और दो हमारे मार्टिस फैमिली के हैं, बाकी फारफ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ से हमने चुने हैं आप लोगों को। चुनने का मकसद ये है कि अगर हम पुलिस का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे ये मैसेज जाए कि भारत दर्शन हमें करा रहे हैं और जो डिज़र्विंग है, कोशिश की है जो डिज़र्विंग है, जो नहीं एफर्ट कर सकता है बाई एयर ट्रैवल करना, और जो जिसको हम भेजेंगे वो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एक दूत जिसको कहते हैं, हमारा एक एम्बेसडर बने। यहाँ से भी आप बाहर जा रहे हो, जे एंड के पुलिस का, डोडा पुलिस के एम्बेसडर बन के जब वापस भी आप आओगे यहाँ, तब भी डोडा पुलिस के एक एम्बेसडर बन के अपने गांव में, अपने हर जगह पुलिस के रिलेटेड जो भी आपकी आपने देखा, आपने भारत दर्शन में लोगों से इंटरेक्शन की, आप चेन्नई जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, वहाँ अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे, सीनिक ब्यूटी देखेंगे, पिकनिक स्पॉट जो भी हैं वो दिखाए जाएंगे, आपके बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्शन होगी, तो वो पैगाम आके आप अपने गांव में दें, अपने एरिया में दें, जिससे हमारा और आपका मीन्स के जो पब्लिक है एक अच्छा रिलेशन बन सके। क्योंकि इसमें यही कोशिश होती है, हम और आप, पुलिस और अवाम मिल के चले, और अवाम और पुलिस मिल के चले उसमें यही हमारे काम होते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम जैसे भारत दर्शन हो गया, हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स मेले लगाते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स करते हैं, यूनिफॉर्म्स स्कूलों में देते हैं, स्कूल्स बैग्स एंड स्टेशनरी आइटम्स देते हैं, कि पुलिस का एक अच्छा चेहरा है जो वो आपको मिले।
आप पुलिस का एक अच्छा स्वरूप देख सकें। पुलिस और आपका जो बीच में थोड़ा डिफरेंसेस होता है, आप सोचते हो कि पुलिस अलग है हमसे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल एक हैं, एक ही मिशन पे चलेंगे। हमें सोसाइटी में अमन लाना है, कानून को नाफिज करना है और अच्छे शहरी बनना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ से, आप गाँव से आए हैं यहाँ डोडा हेडक्वार्टर पर, अभी जम्मू जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप ही बच्चों में से कल KS, KPS, IAS और एयरफोर्स में जाएंगे, पायलट बनेंगे, आर्मी ऑफिसर्स बनेंगे, पुलिस ऑफिसर्स बनेंगे, BSF, CRPF में जाएंगे। आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि बाहर की दुनिया क्या है, वो क्या पढ़ते हैं, कितना है, वो इंट्रैक्शन मिलेगी। आपको भी एक शौक पैदा होगी, मतलब यही है कि आप भी अपना कैरियर बनाएं। इस चीज़ से आपने ये भी सीखना है कि आप एक ज़िंदगी को एक टर्निंग पॉइंट भी देना है अपने लाइफ में। आपकी जो पढ़ाई चल रही है, इसको एक टर्निंग पॉइंट देना है कि अगर मैंने जहाज़ में घूमना है और बड़े बड़े अच्छे शहरों में जाना है, बड़े बड़े अच्छे लोगों से इंट्रैक्शन करनी है, जो कामयाब और तरक्की याफ्ता लोग हैं, उन लोगों से मुझे इंट्रैक्शन करनी है, उन लोगों के बीच में मुझे जाना है, उन लोगों की सोसाइटी में मुझे जाना है, इन शहरों में मुझे घूमना है, बाई एयर जाना है, AC फैसिलिटी अवेलेबल करनी है, AC होटल्स, AC बस, AC हर चीज़ वहाँ आपको मिलेगी। तो उसका आपने ये नहीं कि ये मैंने फैसिलिटी इंजॉय करनी है, गौर से ध्यान देना मेरे, ठीक है, वो नहीं है कि आपने ये फैसिलिटी इंजॉय करनी, आपने सोचना ये है कि कल मैं खुद बनूँ ये, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, कि जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, ये फैसिलिटी आपकी परमानेंट हो जाए, समझ गए। वो परमानेंट कैसे होगी, कैसे होगी परमानेंट, वो जब आप पढ़ोगे, जब आप तरक्की करोगे, जब आप मेहनत बनाओगे, मिशन बनाओगे कि यही है, मैंने बाई एयर ही ट्रैवल करना है, मैंने AC में ही ट्रैवल करना है, AC में ही रहना है, लोगों की खिदमत करनी है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छी इंट्रैक्शन करनी है, तभी होगा। आप इस चीज़ से ये सीख लें कि हम अगर जाएंगे यहाँ से, कल हमें भी ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहिए जो लाइफस्टाइल गांव का है हमारा, उससे हम उठें, हम BPL की लाइन से ऊपर आएँ, हम पढ़ें, अपने माँ बाप को, अपने कुंबा को, अपने ख़ानदान को, अपने गांव वालों को यही सीख दें कि हम भी तरक्की करें, हम भी मेहनत करें, कल हम भी KS करें, IAS करें, ठीक है। बाकी DSP DR साहब ने, DSP हेडक्वार्टर, SP हेडक्वार्टर साहब ने आपको डिटेल में बता दिया। आपने बड़े डिसिप्लिन से रहना है, हमारे एम्बेसडर बन के जा रहे हो डोडा पुलिस के, उसके बाद फीडबैक भी देना है, जहाँ भी जाना है बड़े डिसिप्लिन से, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हमारे DSP DR आपको देंगे, वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। जी, मेरा नाम फरत अब्बास है, मैं GDC भदरवा से हूँ। सर देखिए, हम तो बहुत बड़ी खुशकिस्मत हैं सर, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं JK पुलिस का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। हम पूरे स्टूडेंट्स जितने हम टूर पे जा रहे हैं, कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें एक मौका मिलेगा, और वो भी बाई एयर जाने का। तो हम तो पहले, सबसे पहले हम बहुत ही मशकूर ममनून हैं GDC जम्मू कश्मीर पुलिस के उन्होंने हमें ये जाने का मौका दिया। और देखो, ये टूर जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इससे हमें जो है एक सिर्फ देखना नहीं है, नज़ारे नहीं देखने, बल्कि ये तो हमारा एक एजुकेशनल टूर जैसा रहेगा। हम वहाँ के, हम जो है एक हिंदुस्तान की जो है कल्चर को देखेंगे, बाहर जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ का कल्चर देखेंगे, वहाँ पर जो उनकी जो वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स देखेंगे, हेरिटेज साइट्स देखेंगे, हम काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे, और हमें काफ़ी वहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, हम नॉलेज भी गेन करेंगे। सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो ये पॉसिबल, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सर, ऐसा हम कभी नहीं सोच। सर तोहीद, सर मैं महला बाटा जो कि एक तहसील है डोडा में, से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है भारत दर्शन का टूर, जो JK पुलिस होस्ट कर रही है। हमें मौका मिल रहा है एक अलग स्टेट में जाने का, अलग कल्चर को समझने का, और ये हमें ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड की मार जो हमें पड़ी है, उसकी वजह से सब स्ट्रेस में लोग, तो ये एक मौका है ताकि हम स्ट्रेस आउट हो सकें। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ऑब्वियसली हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस की हेल्प से हम जा रहे हैं, इस बार हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पहली चीज़ तो एक ड्रास्टिक कल्चरल चेंज आएगा, जो जब हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से चेन्नई जाएंगे, एकदम से चेंज आ जाता है। जैसे हम दिल्ली में तो यहाँ के तकरीबन एक जैसा ही कल्चर, लेकिन जैसे ही चेन्नई पहुँचते हैं तो एकदम से कल्चर चेंज हो जाता है। वहाँ पर लोग जो है पत्ते पर खाना खाते हैं, जो यहाँ पर हमें तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वहाँ का वो कल्चर बन चुका है, हमें वो देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो यहाँ पे नहीं है। साउथ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अलग है नॉर्थ के आर्किटेक्चर से, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मोनूमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये ज़रूर एक एजुकेशनल वैल्यू लेसन होंगे हमारी लाइफ के लिए, और एक एजुकेशनल टूर भी होगा। आज सिविक एक्शन प्रोग्राम में पुलिस डिपार्टमेंट आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव को मनाते हुए
भारत दर्शन पे हम बच्चों को टूर करा रहे हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। इससे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, बच्चों को डिफरेंट सिटीज़ में जैसे दिल्ली, जम्मू और चेन्नई की वो सैर पे भेज रहे हैं हम इनको। इससे हमारा मकसद ये है कि हमारा जो पुलिस का पैगाम है, पुलिस और पब्लिक का रिलेशन अच्छा हो, बच्चे वहाँ से सीख के आएँ और अपना उसी तरह फील्ड में भी अपने इम्प्लीमेंट करें चीज़ें, वहाँ देख के आएँ। यहाँ से बच्चों को बाहर जा कर एक्सपोजर मिलेगा। हमने इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन्स और मार्टिर फैमिली और फार फ्लंग एरिया के बच्चे सेलेक्ट किए हैं, जो कि पूरे देश में जाए, दोनों सिटीज़ में, मेन सिटी में जाएंगे और वहाँ से एक्सपोजर लेंगे। बहुत अच्छा कदम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इनको बाहर जा कर एक्सपोजर मिलेगा कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो देख के आएंगे कितनी तरक्की याफ्ता है दिल्ली, चेन्नई, उसी तरह आके ये इधर भी मेहनत करेंगे और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हफ्ते का टूर है, इसमें हम लगभग 40 बच्चे भेज रहे हैं, इनमें हमारे स्टाफ भी जा रहा है इसमें। थैंक यू वेरी मच। डीसी किश्तवाड़ श्री अशोक शर्मा ने भौंजवा तहसील के सुंदर हरे भरे स्थान देवी गोल में लोक अदालत का आयोजन किया, जहां लोगों ने डीसी के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। डीसी ने लोगों को आश्वासन दिया कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। तो देखिए आशिक वानी की रिपोर्ट। तो ये ब्लॉक दिवस हम कोशिश करते हैं कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। आपने बहुत सारे इश्यूज जो है वो भारत में जो मेजर इश्यूज हैं, एक तो इश्यूज हैं जो हमारे तहसील लेवल पे देखने वाले हैं, वो हमारे इरशाद साहब तहसीलदार साहब कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। उसमें जैसे आप एक काम कर लीजिए, जैसे इन्होंने कहा ब्लॉक दिवस होना चाहिए, आप हर वेडनेसडे को अपने तहसील अफिसरों को साथ रख के एक बार एक पंचायत में जाके लोगों को सुन लिया, दूसरी बार दूसरी पंचायत में सुन लिया, तीसरी बार तीसरी पंचायत में सुन लिया, ताकि लोगों को वहां जाके सुना जाए और इनकी जो प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं, उनको हल किया जाए। पानी की बात की, उस पर मेजर बात करूंगा। आपकी पानी समिति बनी हुई है, अब अगर वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आने वाले 50 सालों में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। बनिहाल उधमपुर में एक खान बदोश की बुधवार को रामबन जिले के बनिहाल के ऊपरी इलाकों में पशुओं को चराने को लेकर हुए विवाद के बाद एक स्थानीय गुर्जर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान उधमपुर जिले के गांधार पंचारी निवासी फारूक अहमद बकरवाल के रूप में हुई है। तो देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। मोहम्मद लियाकत नाम है खटाना, ये लड़का जो फारूक था ये मेरे पास नौकर था, मेरा माल चराने के लिए मैंने लाया था, तो ये तो माल के साथ गया, एक मेरा लड़का था तालुब हुसैन, ये दोनों माल के साथ बैठे हुए थे। पीछे से वो अरशाद नाम था बुजुर्ग, वो आया, उसने खुलवाड़ी से मारा सिर में, तीन बार मारा गिरा दिया। उसके बाद मेरा छोटा लड़का भाग गया, उसको पीछे की खुलवाड़ी फेंक दी, मगर वो हाथ नहीं आया। फिर वो लड़का कहीं से भाग कर फिर वापस आया, गया उस डेड बॉडी के पास, उसने मोबाइल निकाला उसके जेब से, फिर मुझे फ़ोन किया, ये बात हो गई। तो मैं तो दूर था बाज़ार में, मैंने अपने घर वाले को बोला जाओ उसके पास, तो देख वो है बंदा या मर चुका है, उसने देखा, उसने बोला मर चुका है। फिर मैंने दो बंदे और भेजे, फरीद बुजुर्ग कोहली वो रफीक अहमद, दो भेजा, मैंने बोला इसका फ़ोटो उठाकर डायरेक्ट पुलिस के पास भेजा उन्होंने, फिर पुलिस ने पर्चा काटा कर मुझे। रात मारने की कोशिश होती या सुबह, इस आदमी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त लगाई, क्यों क्यों क्यों, ये तो कुछ और था, मारना मुझे था, मार दिया, ये मेरे टपले में मार दिया, तो इसका मसला हल होना चाहिए, वरना फिर मैं भी अपनी जान की उम्मीद नहीं, मगर मैं पूरे गांव को तबाह करूंगा। क्या उम्मीद लगा, इधर कोई बचने की उम्मीद नहीं, नहीं मेरा माल बचेगा, नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरी जान नहीं बचेगी। तो एसएसपी नहीं, अभी जा रहा हूं उनके पास, अभी तो डेड बॉडी के मीडिया के, हाँ उन्होंने मेरा बहुत से अलग किया है, रात को भी वहाँ पहुँचे, बहुत मेरी मदद की है, अब उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मेरा मसला कुछ हल होना चाहिए, मुझे अपनी जान का खतरा है, वो एक तो वो चले गया, अब मेरी जान का भी खतरा है, मुझे कहीं दिखा दें जहाँ मैं अपनी जान अपना मवेशी माल बचा लूँगा बचे। क्यों उन्होंने मुझे मकान बना कर दिया है, अब मुझे मकान से निकाल रहे हैं, मगर निकालते अच्छी तरीके से निकालो। ये मसला हुआ है सर, हमारा लड़का था इस लियाकत के पास, अग्रवाल के पास, मजदूरी पे रखा था इसने, लेकिन वो मार दिया है, हमें कोई पता नहीं, हम जानते नहीं किसने मारा है, किसने क्या किया है, उसके पास है जो हमारा इंसाफ होना चाहिए, जितना भी डिपार्टमेंट है, जो भी इसका फैसला डिपार्टमेंट के साथ होगा, जो भी हमारे साथ इंसाफ होगा। हम उधर बैठ कर थे, वो आया छुप के झाड़ियों से, उसको मार दी कुल्हाड़ी फारूक को, फिर वो गिर गया, उसको पीछे से पत्थर मारा, फिर वो नीचे गिर गया, मैं उसको गया पकने, तब तक उसने मेरी तरफ फेंकी कुल्हाड़ी, में भाग गया, फिर मैं गया छुपता छुपता, जब वो ऊपर गया मैं गया उसके पास फारूक के, उसका
भाला ब्लॉक में PRIS के मेंबर हड़ताल पर हैं। मेंबर्स का कहना है कि जितने भी GRS JES के मेंबर्स हैं वो हड़ताल पे होंगे तो पंचायत के जितने भी काम हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर पंचायत लेवल का काम बंद हो गया तो इससे बहुत बुरा नुकसान होगा। लोगों ने LG प्रशासन से अपील की है कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि हम अपने कामों को जारी रख सकें। देखो, आज के हम यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है कि हमारा जो स्टाफ, चाहे वो GRS है चाहे वो JEES है, हमें इनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने नया प्लान जो शुरू करना था तो हमारे JEES और GRS ये सारे स्ट्राइक पे हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमारे जो भी जानवी काम होते हैं वो यही करते हैं। अगर ये स्ट्राइक पे रहेंगे तो हमें अपनी अपनी पंचायतों में बहुत नुकसान होगा। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से, खुसूसन LG सरकार से हमारी ये अपील है, आज के साथ तमाम PRIS यहाँ पे जमा हुए हैं बाला ब्लॉक में, तो हमारी गुजारिश है ये कि इनका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए ताकि हम अपने काम शुरुआत करें। हर पंचायत की यही डिमांड है, सारे सरपंचों की यही डिमांड है। और VLW इसी में हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि जिसमें VLW जो पोस्टें इन्होंने निकाली हैं वो पोस्टें नहीं निकलनी चाहिए, ताकि उस जगह पे ये GRS हमारे बिल्कुल ट्रेंड है, ये अच्छा काम चलाते हैं और फुल फ्लेज पंचायत चलाते हैं, बल्कि एक ही पंचायत नहीं दो दो पंचायतें चलाते हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो पहले फिलहाल जो इन्होंने VLW की पोस्टें निकाली हैं वो पेंडिंग रखें, फिलहाल इनका मसला हल करें तो ताकि हम अपने काम शुरुआत करें। हर जगह पे या हमारी प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम आ रही है इनकी वजह से, लिहाजा इनका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। शुक्रिया। जिला डोडा में शोरूम का उद्घाटन किया गया जिसका नाम काजरो निशा मोटर है, जिसका उद्घाटन श्री अब्दुल क्यूम द्वारा किया गया। इस शोरूम के खोलने का मकसद ये है कि जो यूथ है उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उन्हें हर एक फैसिलिटीज यहीं मिले। तो देखिए सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेरी माए के जहाँ खड़े थे उन्हें गुजारी नीहा बेटा पहले इसे हेलो मेरा नाम अशोक काचरू है। बेसिकली मैं भद्रवाह से रहने वाला हूँ, मगर जम्मू सेटल थे तो मैंने ये सोचा कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हम बेचारे सफ़र करते थे यहाँ से स्कूटी मोटरसाइकिल लेकर, तो एक्चुअली यहाँ पर कोई शोरूम नहीं था, सर्विस नहीं मिलती थी उनको, तो वो जम्मू आते थे। काफ़ी बार मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा अपना एक्चुअली जम्मू में बिजनेस है, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इलाके में जाके तो अपने लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करूँ, तो ये लेके मैंने डायमंड हांडा से ये फ्रेंचाइजी उनसे आउटलेट लेकर तो यहाँ पर खोला है, ताकि यहाँ के लोगों को सफ़र ना होना पड़े। ये काचरू निशा मोटर्स के नाम से। सबसे पहले मैं तो काचरू साहब और उनकी जो फैमिली है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने शोरूम खोला है, और मेरी गुड विशेज़ हैं कि इनका ये शोरूम तरक्की करे। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक डोडा टाउन में डोर स्टेप पे एक फैसिलिटीज़ दी है, डिलीवरी और सर्विसेज जो लोगों को मिलती हैं, ऐसे बहुत कम शोरूम है डोडा टाउन में, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है यहाँ खोल के, हर एक को अपने डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिलेगी। और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे इंश्योरेंस की है, फाइनेंस की है, वो भी इन्होंने रखी है, और लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इसी से बिज़नेस बढ़ता है और डोडा की इकानमी बढ़ेगी, तो डोडा की इकानमी और यूथ्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, फैसिलिटी मिली है डोर स्टेप पे ये, इसी तरह और शोरूम खुलेंगे हर एक टाउन में ऐसे, तो अच्छी फैसिलिटी है, लोगों को जम्मू जाने की जरूरत नहीं, यहीं फाइनेंस होगा, यहीं इंश्योरेंस होगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो CCTV कैमरास लगाए हैं, आजकल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस भी है कि जितने भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉल नए एस्टेब्लिश हो रहे हैं उन सबको CCTV कैमरा लगाने हैं, जिससे हमारी और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प हो सके क्राइम को डिटेक्शन करने में और हर तरीके का सर्वेलेंस टाउन में रह सके।
आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।